हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए क्लास में। आज का ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला, आपके साथ पूरा एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। कुछ बच्चे नीचे पूछ रहे थे कि सर आपने बीए बीएससी वगैरह के लिए इंपॉर्टेंट बता दिया कि कौन से मॉडल पेपर अच्छे होने वाले हैं, तो आज हम बताने वाले हैं एमए के लिए, एमएससी के लिए, एमकॉम के लिए कौन से मॉडल पेपर अच्छे होते हैं। पूरा डिटेल में समझने की कोशिश करिएगा, पूरा एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करने वाले। उससे पहले अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और कोई दिक्कत है तो नीचे कमेंट कर दीजिए, जल्द से जल्द उस पर भी वीडियो लाने की कोशिश करेंगे। सर देखिए, पहला सवाल कि कौन से मॉडल पेपर आते हैं, तो सर दिनेश बनाता है मॉडल, हम यही कह रहे हैं अच्छा है। सर मानसी, प्रखर, कितने भी नाम ले लिया जाए, सर बहुत सारे प्रकाशन है जो छापते हैं मॉडल पेपर को, लेकिन इनमें भी कुछ ट्विस्ट है। जो दिनेश है वो सारे प्रकाशन नहीं छापता, ठीक है, जैसे पॉलिटिकल साइंस छापता है, हिंदी छापता है, इस तरीके से। मानसी इतना बिकता नहीं है, ठीक है, छापता यह भी है लेकिन इतना बिकता नहीं है एमए के मामले में। प्रखर जो है एक अच्छा मॉडल पेपर है, एमकॉम के लिए तो प्रखर बहुत बिकता है, हमारा जो एरिया इधर का शाहजहांपुर वगैरह का है, इधर तो प्रखर बहुत बिकता है और उसका कंटेंट भी बहुत बढ़िया, ठीक है सर। तो प्रखर और दिनेश, अब इसमें दो बातें हैं सर। पहला, यहां पर हम दो बात बहुत कायदे से समझाने वाले हैं, पूरा इसलिए डिटेल समझिएगा। सर जी, अगर अब हम दिनेश लें कि मानसी लें कि प्रखर लें, या प्रखर ज्यादा बिकता है तो प्रखर ही ले लें, ये बात भी है ना। तो अब हम समझाएंगे आपको आज के इस वीडियो का रियल मतलब क्या, समझिए सर। देखिए, जब आप बड़े क्लास में आ जाते हैं, मान लिया आप एमए में हैं, आप एमएससी में हैं, आप तो वहां पे मॉडल पेपर का रोल थोड़ा कम हो जाता है, क्योंकि इनकी लैंग्वेज थोड़ी सी कठिन होती है। कठिन मतलब हिंदी लिखी होगी तो इतनी अंधाधुंध हिंदी लिखी होगी आदमी दुखी हो जाता है, और इंग्लिश होगी तो ऐसी इंग्लिश होगी आदमी फिर या तो रट के जाए, और रटना नहीं है सर आप इतने बड़े लेवल पे आके। तो यहां पर कामयाब होगा सर अनसॉल्व, पहले भी हम कई बार बता चुके, आपको क्या करना है अनसॉल्व लेना। इनमें आप प्रखर ले लें, अच्छा है, अनसॉल्व लेके पिछले जो साल हैं उनके क्वेश्चन पर रिसर्च करें, मिलाएं, एक क्वेश्चन ये है फिर ये है फिर ये, अच्छा 18 में भी आया, 19 में भी आया, 20 में भी आया, ये इंपॉर्टेंट। इतना करने का, देखिए यूट्यूब आपके पास बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, आपने मॉडल में देखा समझ में आया तो ठीक है, वरना जो क्वेश्चन बार बार आ रहा है उस टॉपिक को यूट्यूब पर सर्च करा, और सर्च करने के बाद प्रॉपर एक दो वीडियो जो अच्छी लगी वो प्रॉपर पूरी वीडियो देख ली, देखने के बाद गए, वैसे भी आदमी ज्यादातर बना के लिखता है एमए वगैरह में, तो आराम से प्रॉपर वीडियो देगी, तैयारी की, अगर मान लिया कोई जैसे एमएससी वगैरह कर रहा है कोई लिखना तो थोड़ी प्रैक्टिस करके देगी और बस जाके पेपर दे आ जाके। तो मॉडल पेपर से ज्यादा कामयाब आपके लिए रहेंगे अनसॉल्व, ठीक है, मॉडल आप ले सकते हैं। हमने आपको सारी बातें बता दी कि जो जैसा देखिए मॉडल सब अच्छे होते हैं, अभी इस लेवल पे आपको पढ़ना ही पड़ेगा सर। दो तरीके के लोग होते हैं, एक कुछ बिना पढ़े जाते हैं, एक बहुत पढ़ के जाते हैं। पढ़ने वाले वीडियो से भी पढ़ लेते हैं, ठीक है, मॉडल से भी पढ़ लेते हैं, नोट से पढ़ ले, हर तरीके से। ना पढ़ने वाले बस यही ढूंढते रहते क्या लें क्या लें क्या लें, ये तरीका। तो प्रकाशन कई आते हैं, अगर आप कहेंगे एक नाम बता दीजिए सर, दिनेश है, प्रखर है, अच्छे प्रकाशन है, बिकते हैं जैसे एरिया में जिसकी मार्केट है, ठीक है सर, लेकिन इतने बड़े लेवल पे आके आपको सीखना है तो आप अनसॉल्व खरीदें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छाटे बार बार कौन सा आ रहा है, उसके बाद आप जाएं YouTube पर उस वीडियो को डालें, सर्च करें और दो चार वीडियोस का देख लें, आपका काम हो जाएगा। उम्मीद करते हैं पूरी बात समझा पाए होंगे, नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, कोई दिक्कत है तो हमारी एप्लीकेशन भी है, बिल्कुल फ्री चैट सपोर्ट है, वहां पे जाके आप हमसे वन टू वन बात भी कर सकते हैं। बस दोस्तों इतना ही, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।